असलम एंड ईद मुबारक वेलकम टू द ईद स्पेशल शो पीसीबी आए आज आपसे हमारे क्रिकेटर्स हैं जिस तरह इनको पहले वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर इमाम भाई सऊ शकील और सलमान अली आपको वेलकम हमारे शो के अंदर जिस तरह आप लोग ईद मनाते हैं आए अपने क्रिकेटर्स से पूछते हैं कि वो किस तरह ईद मनाते थे और ईद में उनकी क्या क्या मस्तियाँ होती थी पहले सबसे पहले इमाम भाई आप बताएं आप अपनी ईद कैसे मनाते थे ज़ाहिर है एक क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है क्रिकेट खेल रहे हैं तो इतना जो है घर वालों के साथ ईद मनाने का मौका नहीं मिला लेकिन बचपन की ईद और तो स्पेशल हमारे लिए जो बकरा बकराईद थी वो बहुत थी क्योंकि इसमें जब जानवर आते हैं उनको घुमाने फिराने का जो शौक़ था वो अभी तक है लेकिन अब यह है कि ज़रा टाइम कम मिलता है लेकिन ये वाली जो ईद होती है स्पेशल होती है और ये ज़रा होता है कि गरीबों को जो है कि आपने जो है वो गोश बाँटने का जो था वो मुझे बहुत शौक था और मंडी में जाने का तो ये सारी चीज़ें थी जिसको मिस करते हैं लेकिन इस तरह जो है हम बड़े हुए हैं इस तरह की ईद से नहीं तो आप ये बताएं हमारे फ़ैंस को जो जब आप पाकिस्तान टीम के लिए खेले उसके बाद कभी मंडी में जाना हुआ जाके जानवर खुद खरीदना अच्छा सच बताऊं तो उससे मैंने इस दफ़ा वाली ईद में ज़रूर हुआ है और इस दफ़ा क्योंकि मैंने अपने भाई से लड़ाई की थी इस पर कि जो मुझे ऐसा लग रहा था कि जानवर थोड़े छोटे हो छोटे होते जा रहे हैं आ, जैसे हमारी फिटनेस को कहते रहते हैं स्लिम स्लिम हो <laughs> तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी गाय जो है स्लिम स्लिम होती जा रही है तो इस दफ़ा मैं गया हूँ और इस दफ़ा मैं ख़ुद मंडी से जा अपने जानवर लेके आया हूँ और मुझे आप यकीन करें बहुत मैंने इन्जॉय किया उसको और मुझे बहुत अच्छा लगा वापस वो वाली फीलिंग जिसको आप कहते हो ना बचपन आप लोगों ने भी बचपन में ये सब फ़ील किया हो तो मैंने इस दफ़ा जो है ख़ुद जाके मैं लेके आया हूँ हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस दफ़ा जो बैल खरीदे होंगे वो हेल्दी होंगे और, और बहुत ज्यादा गोश्त आपके घर में इकट्ठा हुआ होगा और आपने गरीबों को बहुत ज्यादा बांटा भी होगा सऊद आपसे पूछते हैं यार जिस तरह आप क्रिकेट के अंदर काम है इसी तरह उम्मीद करते हैं कि जब ईद सेलिब्रेट करते होंगे इसी तरह काम रहते हुए करते हैं या कोई अलग गुला करते हैं पहले तो यार मेरी तरफ से सबको पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक यूजली मैं इतना ज्यादा मुझे जानवर का शौक है लेकिन जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि यार दूर रहूँ थोड़ा सा डर लगता है मुझे लेकिन यह कि उसमें भी मैं काम ही रहता हूँ सलमान भाई अगर आपसे पूछते हैं जिस तरह उनके जानवर तो कमज़ोर होते जा रहे थे तो वो खुद जाके उन्होंने खरीदा और हेल्दी जानवर खरीदा तो आप अपने बारे में कोई बताएं कि आपकी ईद कैसे होती थी मैं ख़ुद तो नहीं जाता जानवर लेने मेरा भाई जाता है और उसके दोस्त वगैरह जाते हैं तो ईद वैसे ही जैसे मतलब बचपन में बकरों के साथ बकरे खुद तो कभी भी नहीं गया शायद एक दो दफ़ा गया हूँ लेकिन यह है कि जाता हूँ अगर आते हैं घर में तो उनको कोशिश करता हूँ कि क्योंकि दो तीन दिन के लिए तो आते हैं वो जो जितनी उनकी मतलब मतलब इनकी जो खदमत की जा सके वो करता हूँ और फिर हमारा ये है कि हम दोस्त वगैरह मिलके ख़ुद उसको बा करते हैं तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मतलब अच्छा जो चीज़ होती है वो मुझे अब सब काम कर रहे होते हैं मैं भी उनके साथ कर रहा होता तो हूँ खुद ही बा कर रहा हूँ तो वो जो ईद है ना वो मुझे बड़ी मैं उसको मिस भी करता था पहले लेकिन अभी इस बार हमने साथ किया तो काफ़ी अच्छी लगी जी बिल्कुल ईद के दिनों में काफ़ी नज़र आते हैं जानवर भागते हुए सऊ से पूछते हैं कभी आपके मोहल्ले में ऐसा कोई ऐसा किस्सा है जी बिल्कुल हम जिस तरह बकर में हम जानवर वगैरह आते हैं तो बच्चे कोशिश करते हैं उनको तंग करते हैं थोड़ा उनको डराते हैं तो जहाँ मैं पहले रहता था अपार्टमेंट में वहाँ बच्चे काफ़ी जानवरों को तंग करते थे और जो ना तो उसमें काफ़ी ऐसे किस्से हैं कि मेरा खुद पर्सनली एक दो बार जानवर भाग गए लेकिन मैं तो खुद बहुत डर पोगूँ तो मैं नहीं पकड़ता जाके लेकिन यही कि कोई ना कोई फिर पकड़ गए इसको जगह पहले आता है नहीं वैसे जितनी आपकी सेहत है आप बाकी डरते होंगे जगह <laughs> अच्छा आपने हम सबसे पूछ लिया है आपको भी पता है कि आपकी अभी माशाल्लाह निकाह भी हुआ है और आपकी अभी कुछ दिनों बाद शादी है आप अपनी ईद के बारे में बताएँ कि अब माशाल्लाह भाभी भी आ गई अब आपके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो अब काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए चेंज हो जाएंगी तो अपनी ईद के बारे में बताएँ कि आप कैसे गुजारते थे और अब क्या चेंजेज़ आएंगे आपकी ईद में देखिए अभी तक निकाह हुआ है रुखसती नहीं हुई अभी ईद के बाद जिस तरह रुखसती है वो आएगी घर में फिर उसके साथ ईद मनाऊंगा पहले ईद अभी गुजरी नहीं है उसके साथ तो जब गुजरेगी तो फिर भी आइडिया होगा यार क्या चेंज आया है अच्छा अच्छा एज अ क्रिकेटर हमारी ईदें काफ़ी जिस तरह बाहर के टूर्स ईद के दिनों में होते हैं और समटाइम ये भी होता है कि आप मैच भी खेल रहे होते हैं आग अभी आप ईद के दिन में कभी मैच खेले हैं मैं इंग्लैंड में था एक बार ली क्रिकेट खेल रहा था तो उधर मैच का दिन मतलब ईद थी और मैच का दिन मतलब मैच था उस दिन

तो ज़रा आप बताएं कि आपकी क्या ईद के दिन में आप क्या डिमांड करते हैं घर से यार आज हमें इस तरह का गोश्त बना के दें आ, मेरे हिसाब से तो ईद के दिन में ये ज़्यादा बेहतर होता है कि हम लोग ख़ुद कुछ जब काफ़ी एक्सपेरमेंट्स कर रहे होते हैं अपनी बारबेक्यू का सामान लाए रहे होते हैं तो सुबह पूरा गाय के उसमें लगे रहते हैं फिर शाम में सारी फैमिली इकट्ठे होती हैं तो हम ख़ुद अपना बारबेक्यू अरेंज करते हैं खुद बनाते हैं तो मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी फ़न का एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है आप खुद बनाते हो कभी कभार आपसे अच्छा नहीं बनता लेकिन यह कि फिर घर के औरतें जैसे फिर बनाने बनाती हैं तो फिर उसमें एक अलग टेस्ट होता है लेकिन उसमें ये अच्छा रहता है कि आप खुद खुद बनाते हो खुद खाते हैं तो काफ़ी अच्छी गैदरिंग फैमिली गैदरिंग में हो जाती है माम भाई भी, आप भी ईद की खुशियाँ ऐसी ही मनाते होंगे बिल्कुल है ये आपको पता है कि हम सब हमारे काफ़ी सारे कज़न्स हैं तो उसमें ऐसे इन्जॉय करने का यही मज़ा है जिसने सऊद ने कहा कि आप खुद जब एक्सपेरिमेंट करते हो ना क्योंकि एक तो ये होता है खुद छुट्टियाँ होती हैं और सारे कज़न्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम खुद ही बार बीक आजकल तो गर्मी है ज़रा थोड़ा सा ज़रा बारबी की लेकिन ये है कि जो रात को एक गेट टुगेदर होता है फैमिली का और उसमें जो है कोई किसी के घर में कलेजियाँ मुझे कलेजियों का बहुत शौक़ है कि जैसे ही वो बकरा कटता है तो मुझे याद है मैं मैं मम्मी से कहता हूँ यार मुझे ज़रा कलेजियाँ दे दो या उस तरह का तो ये लेकिन जो रात में डिनर होता है उसमें हमारे सारे कज़न्स होते हैं उसमें ही होता है कि यार ये आज ये कुछ बनाएगा आज ये कुछ बनाएगा तो ये वाली चीज़ है जो मेरे ख्याल से हर घर में ही चलती होगी आपके घर में भी ऐसे ही चलता होगा कुछ ना कुछ कॉमन होता है इस ईद में तो दिल्कुण, इस दिल्कुण। ये वाली चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं एज क्रिकेटर आपको हर चीज़ डिफरेंट लगती है तो इसमें मज़ा ज़रूर आता है जी सलमान आप बताएं आप मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम दोस्त वगैरह ख़ुद ही जो है ना वो बकरा जिबा करते हैं तो बाद में फिर एंड पे सारे नहा धो के हमारी तब स्टार्ट होती है फिर हम उसके बाद बारबेक्यू करते हैं और सारे उधर बैठ के फिर मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन और पूरी रात जो है ना साथ बैठे रहते हैं सुबह बकरा ज़िबह करते हैं और शाम में फिर उसी को उसी के बारबेक्यू बनाकर खाते हैं ईद की जानवर की सबको एक्साइटमेंट होती है बट इस तरह हमारे अंदर जिस तरह एक सेफी भाई हैं उनका बहुत शौक है कि वो अपना बैल जो है बचपन में उसको ख़रीदें और उसको खुद पालें उसकी खुद लुक आफ्टर करें हमारे पास जिस तरह सऊद है उनको बेहतर पता है क्योंकि सैफ़ी भाई की बहुत अंडरस्टैंडिंग है सऊद के साथ तो सऊद हमें बेहतर बता सकते हैं कि सैफी भाई अपने बैल के साथ किस तरह करते हैं आ, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ, जो सबसे ज़्यादा जानवरों का शौक है ख़ासतौर पर बैल का शौक़ है वो मेरा ख्याल है कि सफराज भाई को सबसे ज़्यादा है और वो जिस तरह उनकी टेक केयर करते हैं वो बाइंग करते हैं और एक दो साल उसको पालते हैं और फिर उसके बाद उसकी कुर्बानी करते हैं तो मेरे ख्याल में वो बहुत ही उनको लगाव हो जाता है अपने अपने बैलों से और काफ़ी वो उनकी वीडियोस भी हमें दिखाते रहते हैं अक्सर मैं पर्सनली भी विज़िट करके आया हूँ उनके जो इस साल के जानवर हैं और माशाल्लाह खूबसूरत तरीन जानवर उनके इस साल वो कुर्बानी करेंगे यह कि उनको काफ़ी शौक़ है और वो खूब एंजॉय करते हैं बकरीद को सेफ़ी भाई जो उनसे बैल खरीदते वो कहाँ रखते हैं तो कोई स्पेशल जगह रखी हुई है अपने आ, उनके डिफरेंट जगहें जिस तरह बाड़े होते हैं तो वो उसमें ख़रीदते हैं और फिर उसको पूरा साल मेरे ख्याल में दो साल के लिए पालते हैं उसके बाद फिर उसकी कुर्बानी करते हैं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएँ कि आप एक एक जानवर को ख़रीदें और फिर उसको साथ दो साल गुजारें और फिर वो कुर्बानी करने का जो मज़ा है तो वो और फिर दूसरा सैफ़ी भाई को इतना माशाल्लाह जानवरों से प्यार है कि हम मैंने अक्सर उनको देखा है कि टूर पे जो है वो अपने भाई को उधर भेजते हैं मैंने खुद बाड़े में भेजते हैं और वीडियो कॉल करते हैं और उनसे बाकायदा जो है उनके बताते हैं कि देखो ये क्या है इसको दूध इसका निकाय इसको दूध पिलाओ इसको घास इसके कहा इसका खाने का क्या है और बाकायदा मैंने उनको एक टूर पर देखा कि वो उनसे बैल से बात कर रहे हैं कि ये सूखा तो नहीं सूख तो नहीं गया है इससे कहा इससे इतना चुप क्यों बैठा है तो उनका जो एक्साइटमेंट लेवल है और माशाला ज, ये एक मेरा नहीं ख्याल है कि ये हर बंदा ये कर सकता है क्योंकि इतना आसान काम है नहीं जितना आपको लगता है तो उनके शौक इतना ज़्यादा है और वो इतना प्यार करते हैं इस चीज़ को तो ये मेरे ख्याल से मुझे बहुत पर्सनली उनकी ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि टूर पे भी होते हैं तो उसको आ, हम घरों को वीडियो कॉल कर रहे होते हैं तो वो जो है अपने जानवर को वीडियो कॉल कर रहे होते हैं कि कहाँ है ना तो अगली होगी ये नेक्स्ट ईयर का जानवर है तो अगले बताया ना कि दो साल वो पहले ही अगले पालते हैं तो वो फिर इसीलिए क्योंकि माशाल्लाह उनका जानवर बहुत ही खूबसूरत और वो बैल तो लग ही नहीं रहा होता है वो तो इतना बायदा उनकी गली में अगर आप जाएँ बकर के टाइम पे तो ऐसा फेस्टिवल टाइप समा होता है और हाँ उनकी पूरी गली दोनों तरफ से बंद होती है और लोग आ रहे होते हैं विजिट कर रहे होते हैं साथराज भाई भी कभी अक्सर जब फ्री होते हैं तो कुर्सी डाल के बैठे होते हैं वो बाहर तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है उनकी गली के बाहर लेकिन ये है कि वो बहुत अपना टेक केयर करते हैं जानवरों एक चीज़ ये भी बताया जिस तरह उन्होंने अपने जानवरों के नाम भी रखे होते हैं कोई उनके स्पेसिफिक नाम कोई पता है एक, एक, पांडे, जी है एक पांडे, पांडे जी एक पांडे जी एक नाम बहुत था लास्ट ईयर था और इस तरह उनके नाम चलते रहते हैं आप दोस्त एक डेढ़ साल पहले मुझे याद है कि शायद शेरू था एक जानवर का नाम तो जैसे पांडे जी तो काफी फेमस हो गया था क्योंकि हमें लेटेस्ट है तो एक पांडे जी था और जो मुझे याद है कि एक जो है शेरू भी नाम था तो ये डिफरेंट नेम्स है जिसको आप अगर आप, आप बैल के अलावा अगर हमारे घर में उनको उनके भी हमने डिफरेंट नेम्स दिए होते हैं मुझे तो लग रहा है ईद के शो पर सफराज भाई को ज्यादा बेहतर हर बंदे को अपने जानवरों से प्यार करना चाहिए क्योंकि उनकी कुर्बानी करनी होती है और उसको उसी तरह उनकी उनको पालें उनकी लुकाफ्टर करें एज ए क्रिकेटर हम लोग काफ़ी डाइट पे फोकस भी रखते हैं मेरे हाल से ईद पे तो हम ऐसी कोई डाइट पे कोई फोकस रखते हैं या नहीं रखते नहीं ये मेरा ये आपका स्पेसिफिकली किससे सवाल है आप आगा की तरफ देख रहे हो ज्यादा नहीं मैं, मैं, खाने तो, बहुत है। मैं तो सही आपको बता रहा हूँ जब अगर ईद पे होता है तो मैं तो रात में सुबह क्योंकि कोशिश करते हैं कि नहीं खाएं ज्यादा कलेजी के अलावा मैं नहीं खाता लेकिन जब रात होती है तो ऑब्वियसली जब सारे आते हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि यार ईद पे बहुत ज्यादा फड़कास ना दे खाने की लेकिन जो है एक आधा जो आपका चीट मिल जिसे आप कह सकते हो कि लेकिन वो ईद वाले दिन अगर आपने अपना बकरा बा किया या गाय जबा किया और उसके बाद उसको इन्जॉय नहीं किया तो मेरे ख्याल से वो ज्यादीती है तो आप अपना बताएँ कि आप जो है ईद को खाते हैं या आप भी नहीं खाते या डाइट का काफ़ी ख्याल रखते हैं उस दिन भी नहीं खाते हैं क्योंकि वही एक दिन होता है जिसमें आप खुल के खा सकते हो गोश्त आप अपनी मर्जी से जिस जिस टाइप का बनाना चाहते हो ओबियसली बारबिको क्यों बारबिको ज़्यादा रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वह को आपकी डाइट पर कोई असर करता है तो बारहबी विक्यू पे ज्यादा फोकस होता है ईद के रिलेटेड तो बहुत गपशप होगी और आए आप एक गेम खेलते हैं हम गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर तो अगर कुछ आपने काम किए तो आपने आई हैव करना है और बीन लेट फॉर द टीम बस आई हैव हैव आई नेवर अपना भी बताओ आप भी बता दो पहले इसके बारे में मैं, तो, मैं तो, तो बहुत लेट होता हूँ बस के <laughs> मैं नहीं होता मैं टाइम पे हमेशा कोशिश तो जाते हुए भी है? लेट हो जाता हूँ कभी कभी यार वापसी जाते हुए भी लेट होता हो मतलब

से नहीं वो पीछे से आई थी और हमें ग्रुप में हमने मैसेज जो है उस दिन मैसेज किया था हमारे रस, के वो है, मगर वो लेट हो गए थे फिर हम टैक्सी में आए और हमने प्रैक्टिस भी आधा पौना घंटा फिर लेट की तो हम टैक्सी में आए तो वो एक फ़नी इंसिडेंट था लेकिन ये वैसे भी लेट हुआ लेकिन ये वाला इंसिडेंट मुझे याद है तो ये काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि अगला मैच हमारा एन से था मानचेस्टर में था तो वो उस वजह से जो है हम जरा थोड़ा सा डर रहे थे लेकिन शेब भाई साथ थे तो मैं और बाबर ज़रा थोड़ा, थोड़ा चिल थे फिर <coughs> मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ है मैं जिस तरह सैलकोट में हमारा फर्स्ट क्लास मैच था और अब साहे लड़के बैठे हुए हैं मुझे पता नहीं चला लड़के उठ के बस्ट में बैठ गए और बस चली गई स्टेडियम में और मैं उठा तो बाहर बासी कोई नहीं है ऐसे <laughs> मैं जब ग्राउंड में गया हूं तो मैं जाके सीधा कोच को बोला मैं कह दो मिनट रुक नहीं सकते थे आप तेरे लिए <laughs> <laughs> कभी किसी फैन को फेक फोन नंबर दिया आ, फीमेल फैन या मेल फैन एनी फैन हां एनी फैन हाँ बहुत दफा बहुं, 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 मतलब मैंने इस तरह दिया कि क्योंकि जब बहुत जफा वो इंसिस्ट करें नंबर चाहिए क्योंकि क्या होता है फीमेल को <laughs> <जीव>? <laughs> <laughs> तो आपने ठीक दिया होगा ना <laughs> हाँ? वो तो नहीं नहीं सही नहीं ही नहीं ही हो दिया बात ये होता है ना आप तो आप आपके नंबर मांगे ना तो मुझे मोबाइल आपने कभी लड़कियों को गलत नहीं नंबर दिया होगा फीमेल फैन को मैंने किसी को नंबर दिया नहीं पहली बात यह है कि नंबर मैंने दिया नहीं और अगर मैंने दिया तो वो उन्हीं को दिया क्योंकि जब वो बहुत दफा पूछते रहे ना और आपके सामने उनके मुझे आपको मिलना है

फोन नंबर नहीं दे सकते ये थोड़ा प्राइवेट यार इसने इनकार कभी किया ही नहीं है दिया ही है <laughs> अच्छा कभी किसी कभी टीम के अंदर कोई प्रैंक किया है बहुत ले बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में इसमें तो इमाम ही मास्टर है प्रैंक करने में सबके दर प्रैंक हुआ ही होगा किया तो ऐसा कुछ वाकया यार वाकई तो बहुत ज़्यादा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ प्रैंक किया है जैसे अभी मैं आपको बहुत ही फनी इंसिडेंट देता था वैसे सुबह भी हम डिस्कस इसी बारे में कर रहे थे शर्ट वाला, वाला। बांग्लादेश में हम टेस्ट मैच खेल रहे थे तो मैं हसन अली और सैफी भाई वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे तो मैं बाहर ऐसे बैठा हुआ था तो मेरे साथ हसन अली बैठा हुआ था तो पीछे से जो प्लेयर अभी ना नुमान अली एक हमारा प्लेयर है कामरान गुलाम अब्दुल्ला शफीक इसमें साउथ भी था तो मैंने उनसे मैंने नुमा हसू से कहा कि यार मैं बस एक दफ़ा आपको बोलूँगा कि यार वो शर्ट जो है ना वो आई है वो कितनी अच्छी शर्ट थी तो आप कहना यार हाँ नौ हज़ार में तीन से चार शर्ट्स आ गई इतनी ज़बरदस्त मुझे भी लाना तो अब मैं यार ये बैठे हुए असन तो पीछे से वो आके बैठा और मैंने ऐसे ही कहा कि यार असू यार बहुत अलग शर्ट आई है तो कहते हैं हाँ यार वो कितनी अलत तूने मुझे शर्ट दी वो अपने दोस्त से कहे मुझे और भेज वो नाइन थाउजेंड की उसने तीन चार एडिडाज की शर्ट्स भेज दी यार इतनी ज़बरदस्त अभी हम ये बात करते मुझे नोवेगा का पता का यार कौन सी शर्ट है कौन सी इमाम वो मेरे पास भी मुझे भी भेजो वो मुझे भी अब वो नोमी भाई ने कामरान गुलाम को कहा उन्होंने सैफी को कहा वो फिर सर अब ये सारे लड़के जो है ना मेरे पास आके कह रहे हैं और मैंने लगा दिया नाम कि यार जैसी टेस्ट मैच खत्म होगा ना आज का दिन तो वो नुमान अली के कमरे में आया हुआ है अब वो

फ़ोन किया कि जी आ, मेरे सीसीटीवी कैमरा चेक कराएँ और उसमें सारा कुछ मिला था कबीर खान हमारे कोच थे वो भी मिले हुए थे अब उनको पता था कि मामक नहीं जो हमारे अब्दुलरमान भाई हमारे सीनियर बॉलर थे उस वक्त तो उनसे मेरे अब्दुल मुझे कबीर ख़ान ने बोला कि किब्दुलरमान ने किया मैंने कहा यार अब्दुररमान भाई कैसे कर सकते वो तो इतने सीरियस है सीनियर हैं कैप्टन भी है मैंने जाके रहमान भाई से ड्रेसिंग रूम में जाके पूछ लिया कि यार रहमान भाई यार ये कोई तरीका नहीं है यार वैसे आप जान के जो है मेरे कमरे ख़राब कर रहे हो यार रहमान भाई ने आगे से मुझे डांट दिया और बहुत ज़्यादा डांटा है उसके बाद फिर मुझे पता चला कि मात भट और वो एक वो था कि जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था लेकिन फिर मुझे समझ आई कि प्रैंक करने वाला के साथ जब हो जाए ना तो फिर ऐसा आपको बर्दाश्त कर है जिस तरह पाकिस्तान टीम के अंदर सरिस्त इमाम भाई हैं जो हर किसी के साथ प्रैंक करते रहते हैं गुस्से में होता है मुझे लग रहा है तो यही होता है चीखे जितनी आप मारते हो शायद

आप तरीके से कह सकते हो अपने किसी फ़ैन को क्या यार वो बुरा भी ना मनाए अगर कोई इस तरह प्लेयर कह भी दे तो मेरे ख्याल से फैंस जितने भी हैं उनको सॉरी यार समटाइम प्लेयर्स का मूड किस टाइप का होता है वो आपको इसलिए मना करते हैं बाकी वो आपसे प्यार उतना ही करते हैं आप जितना अपने प्लेयर्स के साथ प्यार करते हैं कभी किसी फ़ैन ने कभी ऑटोग्राफ मांगा और बंदा कभी भूल भी जाता है ना तो कभी ऐसा हुआ है किस्सा कि फैन को ऑटोग्राफ देते हुए ऑटोग्राफ ही भूल गई हो समा मेरे साथ होता है कि मैं तो भूल गया तो अपना शर्ट नंबर लिख देता हूं 150 लिख दिया नहीं भूल भी जो कुछ नमस्कार हो बस कुछ बोल के हम ने एक गेम खेली अभी आपके सामने और मेरे ख्याल से आप सब ने एंजॉय किया होगा और अपने फैंस के लिए अपनी तरफ से कोई ईद का कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आगे आगे भाई आप बताएं मिले मेरे मेरी तरफ से तो मैसेज यही है कि इस ईद पे अपने गरीबों का और अपने रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आ, और ये ईद बेसिकली होती है अपने जानवरों से भी बहुत सबने प्यार किया होगा उसका ख्याल रखें और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे सबको पता है हमारे फैंस को कि वर्ल्ड कप का ईयर है तो हमारी टीम के लिए हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खास दुआओं में रखें क्योंकि आप लोगों की दुआओं के बगैर मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान टीम पाकिस्तान टीम है तो ये एक मेरा मैसेज है तो और जहाँ जहाँ भी रहें खुश रहें Uh, मेरा भी कुछ इतना इससे रिलेटेड मैसेज है कि हम um, जिस तरह ये ईद आ रही है और जिस तरह uh, थोड़े से भी मुल्क के हालात हैं महंगाई जिस तरह ज़्यादा हुई है तो आप अपने आसपास बिल्कुल uh, नजर रखें और कोशिश करें कि उन तक भी वो खुशियाँ बाँटें और वो चीज़ें बाँटें जो आप अपने साथ कर रहे हैं तो मेरा मैसेज भी यही है सबके लिए जी सलमान भाई मेरा ये मैसेज है कि सेफ्टी का ख्याल रखें क्योंकि जैसे हमने बताया कि जानवर भाग आ जाते हैं तो वो कैन बी वेरी वेडेंटली टू तो कोशिश यही करें कि चोट वगैरह ना लगे जो चीज़ें मतलब हम करते हैं शोर मचाते हैं जानबूझ करके जो है ना जानवरों को तंग करते हैं तो उससे फिर चोटें भी लग सकती हैं तो कोशिश यही करें उससे अवॉइड करें इंजॉय ज़रूर करें आप अपनी ईद को और उनके साथ खेलें कूदें जानवरों के साथ सब करते हैं लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की हरकत कोई ना करें कि वो जानवर जो है ना आपको हर्ट करे या नुकसान दे तो उससे सेफ़ रहें बी सेफ एंड एंजॉय काफ़ी मैसेजेस मिले और मेरी तरफ से फैंस के लिए यही मैसेज है कि ईद की खुशी हम बट अपने साथ जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए सफ़ाई का लाजमी ख्याल रखें क्योंकि जिस तरह की ईद होती है और उसमें फिर आप इधर उधर गंद फेंक देते हैं उस चीज़ का खसूस ख्याल रखिएगा ईद की खुशियाँ मनाते रहें और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ